नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों आज फिर से आपको मकई के विषय में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दोस्तों मैं मकई तोड़ा हूँ 82 दिन पे, दोस्तों ये गलत है। दोस्तों गलत नहीं, बहुत गलत था, क्योंकि उसमें आधा ख़राब निकल गया था। लेकिन आज आपको बताऊँगा कि जो सही मकई तैयार हुई, जैसे मेरे भाई अभी लगाए हुए हैं बगली में, उनका मकई बिल्कुल सही है। उनका 105 दिन का हुआ है दोस्तों। दोस्तों बिल्कुल बहुत सही है, जैसे हम आपको दिखाते हैं ये अभी इसको सही है। ये अब ये सही है दोस्तों। इस तरीके अगर मकई हो तो बालना चाहिए, क्योंकि टाइम इसका दोस्तों हो गया है। सही है, कितनी ज़बरदस्त मकई है दोस्तों। ये तैयारी है बिल्कुल छीलने वाली है दोस्तों, निकलती भी ज़बरदस्त जैसे आप देख सकते, ज़बरदस्त वाली है दोस्तों। इसको हम दो, एक मजरा इधर से एक मजरा उधर से, तो बीच में तोड़ते हैं, जैसे दिखाते हैं आपको। इसे दोस्तों देख रहे हैं, एक मजरा ये नहीं इधर से है, एक पाड़ी इधर से लेके यहाँ तक तोड़ते हैं। चार लाइन है इसमें, इसे 1 2 3 चार लाइन, ठीक है। और चार लाइन दोस्तों इधर से आती है, और इसमें कितनी मकई निकली आप देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त इसे यहाँ से वहाँ तक पूरी भरी हुई है। तो दोस्तों ये अभी उबालने वाली है। इसको दोस्तों जब उबालेंगे आप, तो दोस्तों इसको दाना पुरेगा, यानी जैसे आप इसको उबालने से ये है कि इसमें जैसे हम कोरेक से पलटते हैं इसको, तो दोस्तों ये कड़ता नहीं है दोस्तों। जो हम आप पहले रात में उबाले हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला था, लेकिन दोस्तों रात हो गई थी, यानी 11 बज गया था, तो इसलिए नहीं दिखा पाया। लेकिन आज कोशिश करूँगा, आज फिर से उबालूँगा, तो उसको दिखाऊँगा कि सब इसको उबालते हैं। क्योंकि दोस्तों जब इसको हम पलटते हैं तो कट जाती है, यानी दूधा दाना होता है जब उबलती है तो उसमें फूट जाती है, बिथर जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मजबूत जैसे रहेगा, दूधा ख़त्म हो जाएगा तो सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर बाली अगर आप उबालें तो थोड़ा सा इसको यानी 100 दिन जरूर क्रैश कर देना चाहिए। 100 की अगर आप 15 उबाली से 90 95 तो मुश्किल नहीं है, 2-4 दिन कम रहेगा। लेकिन अगर बिल्कुल 80 82 पर उबालते हैं तो बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हम शाम को उबालें देखें दोस्तों। अगर मेरी आवाज़ थोड़ा सा कुछ कम आ रही हो तो माफ़ करना, क्योंकि हवा दोस्तों बहुत तेज़ है। इसी तरह से आपको दोस्तों नड़ी भी दिखाता हूँ, इधर भी दोस्तों देख सकते हैं, इस हिसाब से इधर भी है। और दोस्तों बाली बहुत ज़बरदस्त आई हुई है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त वाली है। इसको दोस्तों अगर उबालेंगे तो यानी एक बोरी, यानी एक मतलब बीघा में कम से कम है तो 10 बोरी आएगा। 10 बोरी अगर आएगा दोस्तों, यानी 10,000 रियाल का हो जाएगा। 10,000 रियाल बहुत हो गया इंडियन, यानी 1,90 हो जाएगा, 1,90,000। इस समय बहुत महंगी बिकती है दोस्तों ये। और इसको यानी सतुआ बनाते हैं, इन लोग सूप बोलते हैं, हम लोग सतुआ बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मकई उबालते हैं तो दोस्तों 100 दिन के बाद ही उबालना चाहिए, लगाने के 100 दिन पूरा हो जाए उसके बाद भी उबालें तो दाना दोस्तों पुराएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है सही तरीका उबालने का, और सही तरीके से तैयार हुई है, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही, और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे तो बताएं, और फिर आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओके बाय।